आज मैम मेरे साथ खेलेंगी। मैं मित्सी नोहारा, 29 साल की हाउसवाइफ। मुझे जो भी काम करना था हो गया। मैंने पूरी मेहनत से काम किया है। जब भी मैं सोना चाहती हूँ मुझे कोई नहीं रोक सकता। यही तो एक टैलेंटेड हाउसवाइफ की खासियत है। शिनचैन, बोलो क्या बात है? ये वाह, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है शिनचैन। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें ये गिफ्ट देती हूँ। ये मॉम के साथ खेलने का टिकट है। ये क्या है शिनचैन, क्या हम कल खेल सकते हैं? मेरी प्यारी डायरी, आज मॉम ने अपना प्रॉमिस फिर से तोड़ दिया। उन्होंने कहा था कि मैं जब चाहूँगा तो वो मेरे साथ खेलेंगी, लेकिन हाँ, मैं तैयार हूँ, चलो खेलने। आज हम टैक्सी खेलेंगे मॉम। मैं ड्राइवर बनूंगा और आप पैसेंजर। ठीक है, मुझे ओमिया ले चलो। टैक्सी रुकवाने के लिए पहले आपको हाथ से इशारा करना होगा, फिर मैं गाड़ी रोक के दरवाजा खोलूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई। टैक्सी की मुझे ओमिया ले चलिए प्लीज। ठीक है। मैंने इसे वो टिकट दिया ही क्यों? मैडम आपने फुटपाथ पर अपना बैग छोड़ दिया। तो क्या इस खेल में मेरे पास एक बैग भी होना चाहिए? ओके, मैं अभी लाती हूँ। अब तो ठीक है मैम, एक तो आपका बैग बहुत छोटा है, ऊपर से आप इतनी ओवर एक्टिंग कर रही हैं। मैं अपना बैग यहीं रख देती हूँ। मिस्टर ड्राइवर प्लीज मुझे ओमिया ले चलिए। मैम आप ठीक से नहीं खेल रही हैं, परेशान मत कीजिए, ये ओमिया ही तो है। तो मुझे उरावा ले चलिए। उरावा ठीक है। टैक्सी में बैठने के बाद पैसेंजर सो जाते हैं। क्या पुरावा स्टेशन तक जाएंगी? हाँ। ईस्ट उरावा, वेस्ट उरावा, नॉर्थ उरावा, साउथ उरावा, सेंट्रल उरावा, कौन से उरावा स्टेशन ले चलूं? बताइए मैडम। मुझे नॉर्थ उरावा स्टेशन जाना है। ओके, नॉर्थ उरावा स्टेशन ना। ओके, वैसे आप नॉर्थ उरावा क्यों जा रही हैं? किसी काम से जा रही हूँ। लोग कहीं भी किसी काम से ही जाते हैं। चुपचाप ड्राइव करो। अच्छा बताइए आपकी लाइफ कैसी चल रही है? हाँ ठीक है। क्या आपको वापसी में भी टैक्सी चाहिए? नहीं, मैं पैदल ही आ जाऊंगी। अच्छा आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। आप क्या करती हैं? क्या आपके बच्चे हैं? मैं एक हाउस वाइफ हूँ। चाइनीज खाना ज्यादा पसंद है या इंडियन खाना? इंडियन पसंद है। अच्छा इंडियन पसंद है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन या मुगलई? सब कुछ पसंद है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पास एक ऐसा पैसेंजर आया है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। अगर पैसेंजर चुप रहने वाला हो तो सफर काटना बहुत मुश्किल। कार गेम के चक्कर में मैं दोपहर को सो भी नहीं पाई। बहुत साल पहले की बात है, एक जगह पर शिनचैन नाम का एक लड़का रहा करता था। मैं तो उड़ सकता हूँ, देखो दोस्तों। एक दिन हुआ यूँ कि वो कहीं जा रहा था कि तभी अरे वाह, कितना खूबसूरत, कितना कमाल का नजारा है। अंकल प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, पता नहीं कब आपके ऊपर हमला हो जाए। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए बेटी। लेकिन अंकल, अरे बरसात शुरू हो गई। कितना अच्छा लग रहा है। अरे पर मुझे आगे का रास्ता नहीं मालूम है। आगे के रास्ते का नक्शा इस पर है, तुम इसे ले सकते हो। ये लड़की तो हम दोनों के लिए परीक्षा बनकर आई है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इसकी सख्त जरूरत थी। शुक्रिया।
मेरे अंकल की उस आदमी से जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा बेटी चलो आगे चलते हैं। आपकी बहादुरी को देखकर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे अंकल के बॉडीगार्ड बन जाओ। इन्हें बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है, क्या ये कोई सेलिब्रिटी है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हें बड़ों की इज्जत करना सीखना चाहिए। दरअसल इस जगह के राजा के यहाँ हर साल इन दिनों एक कॉम्पिटिशन होता है। ये है उनका महल जहाँ पर दूर दूर से कॉम्पिटिशन के लिए लोग आते हैं। इस कॉम्पिटिशन के लिए वो दो लोगों को चुनते हैं जो सुशी बनाने में एक्सपर्ट होते हैं और उनके बीच मुकाबला होता है। इस साल अपने टैलेंट की वजह से अंकल को चुना गया है और वो सुशी कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हैं, इसीलिए हम भी महल जा रहे थे। क्या तुम्हें इस बात का पता है कि लोग मुझे गोल्ड फिंगर के नाम से जानते हैं? लेडी फिंगर का नाम तो सुना है, गोल्ड फिंगर का नाम नहीं सुना। तुम्हें मेरी इस तरह से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है जो भी जीतेगा राजा उसे अपने महल का चीफ शेफ बनाएंगे, है ना मजेदार बात? लेकिन हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे दुश्मन हम लोगों को महल तक नहीं पहुँचने देंगे। अभी थोड़ी देर पहले जिस आदमी ने अंकल पर हमला किया वो भी कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहा है, वो फिर से अंकल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसलिए तब तक तुम्हें अंकल का ध्यान रखना होगा। तुम रखोगे ना, बताओ? लेकिन हमें इसके बदले में मिलेगा क्या? एक कॉन्सर्ट के टिकट चलेंगे। अच्छा तो ये बात है, फिर मैं भी तैयार हूँ, मैं भी चलूँगा, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊँ। उसकी तुम्हें जरूरत है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि बड़ों से तमीज से बात करो। अरे तमीज से बात कर रहा था, इसीलिए मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज। ओके। कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। अरे भाई साहब मैं तो सफाई के बारे में बोल रहा था, मुझे छोड़ दो। देखिए अंकल तो सही कह रहा है, हमें सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। मेरे हाथों में जादू है, फिक्र मत करो। अंकल मैं मानती हूँ आपके हाथों में जादू है, लेकिन अगर हम सफाई पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है राजा को आपका बनाया हुआ खाना पसंद ना आए। इसने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाकर राजा बीमार पड़ गए तो हम सबको जेल हो जाएंगे। ये लो, इसे खाकर बताओ ये कैसा बना है। ये तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं, क्या की दिखता है। इन्हें अब खाकर पता चलेगा मैं कितना टेस्टी बनाता हूँ। इससे तो मेरा गला ही दब गया था। वैसे अंकल मुझे ज्यादा बोलना पसंद तो नहीं है, लेकिन अगर आप इतना पूछ रहे हैं तो मुझे अभी सुशी से ज्यादा आलू चाट खाने का मन कर रहा है, मिलेगा क्या? एक तो तुमने मेरे खाने की तारीफ नहीं की, ऊपर से ऑर्डर दे रहे हो, हैं? वो इसलिए क्योंकि वो आपके बॉडीगार्ड थे अंकल। सॉरी मैंने जो कहा था उसे भूल जाओ, मैं इसे खाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इस बार खाने को टेस्ट करने की बारी मेरी है। ये मूंग और मसूर की दाल। बुरी बुरी जायमान को मैं सर्व कर देती हूँ। तुमने तो मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं, मैं क्या खाऊंगा बताओ। बेटी खाना बनाते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जो तुमने नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, इस बार आप बना दीजिए, अगली बार मैं बना दूंगी। बची हुई सुशी फेंकने की बजाय मैं उन्हें बिल्लियों को खिला देती हूँ, इससे खाना बेकार भी नहीं होगा और इन सब भूखी बिल्लियों का अच्छे से पेट भी भर जाएगा। ये तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जरा देखो मेरी बनाई हुई सुशी इन्हें कितनी पसंद आई है। शिनचान इसे बताओ कितनी बेकार बनी थी। तुम लोग रुको, मैं खाना बनाने के लिए और सामान लेकर आता हूँ। अरे सुनो, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, रुक जाओ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, समझ गए? क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। कितनी बार समझाऊं, बड़ों से तमीज से बात करो।
डायमंड के एडवेंचर्स। अंकल बचो, मेरी बात समझ नहीं आ रही। काम हो गया। अंकल आप ठीक तो है ना? वैसे मेरे अंदर स्टाइल तो है, है ना? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और जैसा कि आपने देखा कि अगर कोई बॉडीगार्ड हो तो कोई तकलीफ नहीं होती है। अरे बचाओ, बचाओ मुझे, बाहर निकालो कोई है। आप ठीक तो है ना अंकल? क्या हुआ अंकल? अंदर आ जाओ। क्या हुआ? देखो उस पर क्या लिखा है। इसमें तो लिखा है मैंने पॉट में टाइम बॉम्ब लगा दिया है, अगर तुम हिले तो ब्लास्ट हो जाएगा। अरे बॉडीगार्ड तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, बोलो। ऐसा मैंने पहले भी किया था और इसका मेरे पास लाइसेंस है। सच बताओ तो मैं बॉम्ब डिफ्यूज कर सकता हूँ। आखिर तुम्हें ऐसे लाइसेंस मिल कहाँ से जाते हैं? अगर आप हिले तो ये बॉम्ब फट जाएगा, समझ गए? तो तुम अब सोच क्या रहे हो, डिफ्यूज करो इसे। तुम कुछ कर सकते हो बुरी बुरी ज़ायमोन? एक मिनट रुको, घबराओ मत, यहाँ पर कुछ है, बिल्कुल मत हिलना। ये सेंसर मूवमेंट को ऑटोमेटिकली सेंस कर लेते हैं। बेहतर यही होगा कि आप बिल्कुल ना हिले और मुझे अपना काम करने दें। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे नीली वाली तार काटनी चाहिए या फिर लाल वाली तार। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, नीली वाली काट देता हूँ। मुझे घबराहट हो रही है। जो करना है जल्दी करो। ठीक है, मैं नीली वाली काट देता हूँ। क्या तुम्हें रेड नहीं काटना चाहिए? अरे हाँ, हम बच गए। अब आपको मेरी काबिलियत पर कोई शक नहीं होना चाहिए, है ना? तुम्हें इतना छोटा सा काम करने में इतना समय लग गया, मेरी टांगों में दर्द हो गया, मैं क्या करूं? ऐसा लगता है कि अब आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए मैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूंगा। बेहतर यही होगा कि तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। प्लीज शांत हो जाइए अंकल, आप बस सुशी कॉम्पिटिशन के बारे में सोचिए। लेकिन बेटी सच्चाई तो ये है कि मेरे हाथों में चोट लग गई है। मैं आपकी मदद करना चाहूंगा। क्या तुम करोगे? लेकिन तुम मेरी मदद कैसे कर पाओगे बेटा? अगर मैं राजा को खुश कर पाया तो आपका काम हो जाएगा ना? दीदी और मुझे चोट कम लगी है, शायद हम दोनों मदद कर पाए। हाँ अंकल, मैं भी एक बार कोशिश करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं पूरी मेहनत करूंगी और फिर हो सकता है हम जीत जाएं। क्या ऐसा हो पाएगा? और इसके बाद दोनों इस कोशिश में लग गए कि बढ़िया से बढ़िया सुशी बना सके। बेटी इसको ऐसा नहीं करना, इसको ठीक से लपेटो। अरे मत मानो, हम कर दिखाएंगे। बहुत अच्छा बनाया है तुमने। इस तरह कॉम्पिटिशन का दिन आ ही गया। इसे खाकर बताइए कि कैसा बना है महाराज। आपकी बनाई हुई डिश बहुत ही अच्छी लगी, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी मुझे दूसरे लोगों की भी डिश खाकर देखनी है, उसके बाद ही बता पाऊंगा। अब दूसरे की क्या जरूरत है महाराज, लेकिन जीतना तो मुझे ही है ना। अब आपकी बारी है, आप अपनी डिश यहाँ लेकर आइए। जी। आपके हाथ पर तो चोट लगी है, फिर ये डिश कैसे बनाई आपने? दरअसल महाराज, इस डिश को बनाने में मेरी मदद मेरी बेटी ने की। मेरा नाम ओमिने है। ये तो कंपटीशन से बाहर ही समझो, क्योंकि इसने ये डिश बनाई ही नहीं। मैं अपनी सुशी आपके सामने अभी पेश करती हूँ।
क्या बात है? अरे ये क्या? ये देखकर तो अच्छा लगा। जिंदगी में पहली बार इस तरह की प्रेजेंटेशन मैंने पहली बार देखी है। क्या बात है? स्वाद भी बहुत अच्छा है। क्या बात है? यहाँ मेरे रहते कोई और नहीं जीत सकता है। अब मैं फैसला सुनाने जा रहा हूँ। गोल्ड फिंगर इस मुकाबले में जीत गया। बेटी तुमने सुना? मैंने भी सुना। मुबारक हो। वाकई में इतनी अच्छी डिश मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज, हमने महल में एक आदमी को पकड़ा है जिसके पास हथियार भी है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आपने जो मुझे गोल्ड फिंगर को मारने का काम दिया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया। बेवकूफ कहीं के, मैं तुम्हारी वजह से हार गया। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने गोल्ड फिंगर को मारने की कोशिश की? सिपाहियों पकड़ लो इसको। महाराज मुझे। शिनचान, तुमने हमारी बहुत मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर तुम हमारी दुकान पर काम करना चाहते हो तो हमारे साथ रह सकते हो। आप लोगों के साथ? हाँ बेटा, हमारे साथ। मुझे बहुत खुशी होगी। तुम यहीं रुक जाओ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पर मैं तो एक मुसाफिर हूँ, मैं कहीं भी नहीं ठहरता। हाँ अच्छा, तो फिर ठीक है शिनचान, अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। बाय 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 शिनचान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह से जीत हुई अच्छाई की। आज भी घूमती बिल्ली वाली सुशी बहुत फेमस है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ बनती है। शिनचान के सफर में और क्या क्या होता है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी फीस देना नहीं भूलेंगे। इस बात की फीस? आखिर तुमने क्या ही क्या था? मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहता हूँ। हमेशा बड़ों की